हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपके पास भी कोई एयरपोर्ट्स हैं, बेसबर्ड्स हैं, TWS है, कुछ भी आपके पास प्रोडक्ट है ये ऐसा, तो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई? इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देंगे। तो मेन बात है सिर्फ इसको रीसेट करना है। रीसेट कैसे करना है तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ये बेसबर्ड है आपके पास, उसको ओपन कर लीजिए और उसके बर्ड्स हैं जो, तो वो दोनों ही बाहर निकाल लीजिए। तो जो केस है वो ओपन रखना है, ओपन हो चाहे बंद हो कोई बात नहीं, वैसे मैंने ओपन ही रखा है इसको। तो आपने क्या करना है इसको, ये मेरे पास है टच कंट्रोल बर्ड्स हैं, आपके पास टच कंट्रोल भी होंगे या फिर बटन वाले भी होंगे, यहाँ पे बटन लगे होते हैं या फिर टच कंट्रोल, मेरे पास टच कंट्रोल है। तो आपने अपने दोनों कान में लगाना है, तो मैंने दोनों कान में लगा ली है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टच कंट्रोल मैंने 10 सेकंड के लिए यहाँ पे टच के रखूँगा, वो रीसेट हो जाएंगे, एक ट्यून भी चलेगी उसमें, तो उसके पर चल जाएगा आपको कि ये टच मतलब रीसेट हो जाएंगे, आपने अपने कार में लगा के देखना है। तो मैं अभी टच कंट्रोल करता हूँ। तो गाइस, इसके बीच में एक ट्यून चली है, ट्यून ऐसा हुआ, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये रीसेट हो जाएंगे। तो आप अपनी आसानी से किसी भी फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यही मैंने आपको बताना था। तो आपकी 100% प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो किसी भी तरह की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसी रिलेटेड हम वीडियोस आपके साथ लेकर आते हैं। बाय गाइस।